बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हु के साथ कब इज और कब आर आना चाहिए, कब हैव और कब है जाना चाहिए, यानी वे नहीं समझ पाते हैं कि हु के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है या प्लूरल वर्ब का। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। हु एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि कब सिंगुलर वर्ब यूज करना है और कब प्लूरल। तो मैं आपसे कहूंगा कि वर्ड हु के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज तब करेंगे जब वर्ड हु किसी एक इंसान के लिए यूज किया गया हो, और जब वर्ड हु किसी एक इंसान के लिए यूज होता है तो उसका मीनिंग कौन होता है। वहीं दूसरी तरफ आप हु के साथ हैव का इस्तेमाल यानी एक प्लूरल वर्ब का यूज तब करेंगे जब हु का यूज एक से ज्यादा लोगों के लिए हुआ हो, और जब वर्ड हु का यूज एक से ज्यादा लोगों के लिए होता है तो वर्ड हु का मीनिंग कौन कौन होता है। जैसे अगर लिखा हो कौन आ रहा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु इज कमिंग। यहाँ पर वर्ड कौन से एक इंसान का पता चला। लेकिन अगर लिखा हो कौन कौन आ रहे हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु आर कमिंग, यानी कौन कौन आ रहे हैं। मेरे पहले सेंटेंस में वर्ड हु का यूज किसी एक इंसान के लिए हुआ है, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में हु का यूज एक से ज्यादा लोगों के लिए हुआ है। अगर लिखा हो कौन आया है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु हैज कम। लेकिन अगर लिखा हो कौन कौन आए हैं तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु हैव कम, यानी कौन कौन आए हैं। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने पहले सेंटेंस में हु के साथ हैज का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हु के साथ हैव, क्योंकि पहले सेंटेंस में हु से किसी एक इंसान का पता चला, जबकि दूसरे सेंटेंस में हु का यूज एक से ज्यादा लोगों के लिए किया गया। आज कौन आ रहा है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु इज कमिंग टुडे। लेकिन अगर आपको कहना हो कि आज कौन कौन आ रहे हैं तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु आर कमिंग टुडे, यानी आज कौन कौन आ रहे हैं। किसने आपकी मदद किया है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु हैज हेल्प्ड यू। लेकिन अगर आपको कहना हो किस किस ने आपकी मदद किया है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु हैव हेल्प्ड यू। अगर आपको कहना हो कि कौन हल्ला कर रहा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु इज मेकिंग अ नॉइज। लेकिन अगर आपको कहना हो कि कौन कौन हल्ला कर रहे हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु आर मेकिंग अ नॉइज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि हु के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है या प्लूरल, यानी किस कंडीशन में आप सिंगुलर वर्ब लिखेंगे और किस कंडीशन में आप एक प्लूरल वर्ब लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।